नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली स्टडी मैटर में। मैं हूं अरुण और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो उत्तर होगा प्रकाश मंडल। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा उपसौर, और अधिकतम दूरी को जो है अपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कि सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा वर्णमंडल। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो इसका उत्तर होगा शुक्र और अरुण। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं उपग्रह। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा सूर्य को। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो सूर्य क्या है? एक तारा है, ग्रह नहीं है। तो इसका आंसर है सूर्य। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर होगा 21 जून को। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा कॉस्मोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ये ज्योतिष शास्त्र है, और सिस्मोलॉजी की भूकंप का अध्ययन किया जाता है इसमें, और लिम्नोलॉजी में जो है नदी तालाब झीलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो यह है चार, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। नेक्स्ट प्रश्न कि निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? तो इसका सही उत्तर होगा मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट प्रश्न, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इसका उत्तर होगा 89। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर होगा चार, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो पार्थिव ग्रह कौन सा नहीं है इसमें से? तो शनि नहीं है। ठीक है, ये कौन सा है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति के सदृश ग्रह है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जो है वो ग्रह कहलाते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में जो ग्रह हैं 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो जो है इसका मंगल, क्योंकि ये पृथ्वी सदृश है, बाकी शनि अरुण वरुण बृहस्पति ये क्या है, बृहस्पति सदृश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो सौर मंडल का भाग नहीं है निहारिका। ठीक है, बाकी क्षुद्र ग्रह धूमकेतु ग्रह सब सौर मंडल के भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका उत्तर होगा केपलर ने। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा कॉपरनिकस ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है? तो यह ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है, और बिग बैंग थ्योरी जो है जॉर्ज लेमेट्रे ने दी थी। कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है? तो उसका उत्तर होगा बुध ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुक्र वीनस ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वो सबसे गर्म और मंडल ग्रह है? तो इसका उपयोग जो होगा CO2। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो इसका उत्तर है एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन हीलियम दोनों गैस पाई जाती हैं, और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उनके तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका आंसर है तापमान पर। सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका आंसर है उपयुक्त दोनों, बुध और शुक्र दोनों के पास जो है कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं निक्टोलोपिया। नेक्स्ट प्रश्न कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका उत्तर होगा सी फंक ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है बड़ा आकार, कि भाई क्लोरीन का आकार बड़ा होता है, और विद्युत ऋणात्मकता की बात करें सबसे ज्यादा तो वो होती है फ्लोरीन की। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है, ये डबल से आ गया ये क्वेश्चन, इसको हटाते हैं यहां से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि पानी एक अच्छा शीतलक है, और इसका उपयोग कारों बसों ट्रकों आदि के इंजनों को ठंडा करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जल के पास क्या होती है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे कि निम्न में से किस रूप में कार्बन प्रकृति में अपने शुद्धतम रूप में पाया जाता है? तो इसका आंसर जाएगा हीरा, हीरा जो है शुद्धतम रूप है कार्बन का।
नेक्स्ट प्रश्न है कि आटा में बेकिंग सोडा मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है? तो उत्कृष्ट गैसों की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो लगभग शून्य होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे कि दो तत्व जो बड़ी संख्या में यौगिक बना सकते हैं वो कौन से हैं? तो उत्तर है कार्बन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ब्रह्मांड में जो है बिस्कुटी तारा क्या कहलाता है? तो बिस्कुटी तारा जो है अभिनव तारा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें और अंतिम प्रश्न कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित जो ग्रह नहीं है वो कौन सा? मंगल ग्रह है। ठीक है, बाकी शनि अरुण वरुण सब क्या है? बृहस्पति सदृश हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए यूं ही वीडियो बनाता रहूं।